है आपके दोस्त आजू बाजू वाले के पास पड़ोस वालों को दोस्त कहते हैं ना, हीना हीना नाम बताओ थोड़ा देखेंगे आपको ना गौरी मन पता है क्या है नहीं गौरी गौरी कौन आपके दोस्त गौरी माता भी आपके दोस्त समझते हैं। चलो आपके दोस्त में कौन कौन है आपके दोस्तों में एनिमल्स हैं क्या नो और कौन कौन है बर्ड्स हैं क्या नहीं आपके घर में छोटे छोटे पाड़ा नहीं क्या काउ आपके दोस्त बनते हैं मुर्गी आपके दोस्त बनते हैं है ना और उनके साथ खेलते हैं पड़ोस में नीना नीना छिंटीना सुरेश परेश सब भी रहते हैं उनके साथ आओ मजे ऐसे खेलते हैं क्या क्या खेलते हैं ओ क्रिकेट खेलते हैं और आजू बाजू खाना पकवान करना माँ का खेल सब खेलते हैं ना आपको बहुत तो वहाँ उधर जाना नदी के पास जाना सरोवर के पास जाना और बगीचे में जाना सब भी भीते हैं आपके दोस्तों को आप बहुत चाहते हैं माँ डांटते रहते भी आप बिना सुनाए बिना आप आराम से दिन भर खेलते रहते हैं खाने पर बुलाना माँ नहाने पर बुलाना और सोने को बुलाना पढ़ने को बुलाना ऐसे खेल खेलते हैं। चलो आज हम एक दोस्त के बारे ही एक लेसन लेके आए होंगे देखिए क्या है वो लेसन में वो है शैली और दोस्त हो ना शैली और दोस्त लेसन नंबर 9 शैली और दोस्त पेज नंबर 27 ले चलो मैं पढ़ती हूँ। शैली के पास एक गिलहरी और खरगोश है दो ये दोनों उसके दोस्त हैं वहाँ रोज बगीचे में अपने इन दोस्तों के साथ खेलती है बगीचे में तरह तरह के पक्षी आकर पेड़ों पर बैठते हैं ये शैली और उसका भाई धामू बगीचे में खेलते रहते तभी शैली चिल्ला कर बोली शैली भैया इधर आम के पेड़ के नीचे देखो धाम अरे यहाँ तो कबूतर है शैली यहाँ घबराया हुआ सा क्यों बैठा है धाम शायद घायल है शैली चलो माँ के पास ले चलते हैं बच्चे कबूतर को उठाए उठा कर अपने माँ के पास ले आते हैं धाम क्या इसे चोट लगी है माँ माँ नहीं शायद यहाँ उड़ते उड़ते गिर गया है और एक बात बोलूँगी शैली के पास एक गिलहरी और कौन खरगोश है वे दोनों उसके दोस्तों हैं वहाँ रोज बगीचे में अपने इन दोस्तों के साथ खेलती है बगीचे में तरह तरह के पक्षी आकर पेड़ों पर बैठते हैं ये शैली और उसका भाई धाम बगीचे में खेल रहे थे तभी शैली चिल्ला कर बोली शैली भैया इधर आम के पेड़ के नीचे देखो धाम अरे यहाँ तो कबूतर है शैली यहाँ घबराया हुआ सा क्यों बैठा है धाम शायद घायल है शैली चलो माँ के पास ले चलते हैं बच्चे कबूतर को उठाकर अपनी माँ के पास ले आते हैं धाम क्या इसे चोट लगी है माँ माँ नहीं शायद यहाँ उड़ते उड़ते गिर गया है बच्चों ये देखो आगे के नेक्स्ट क्लास में क्या हुआ क्या देखो शैली के पास एक गिलहरी
और खरगोश। गिलहरी स्पैर, स्पैरल है, गिलहरी स्पैरल है और कौन है, खरगोश कहाँ है, खरगोश रैबिट, खरगोश रैबिट। ये दो किसके फ्रेंड्स है, शैली के फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स हैं क्या आजू बाजू इधर नियर नोवस है आपके फ्रेंड्स, ऐसे ही शैली के दोस्त कौन है, गिलहरी खरगोश। गिलहरी कौन देखिए, अड़ीलो गिलहरी, अड़ीलो रैबिट मोना। शैली 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 के भैया धामो। चलो ये दो बहुत तो अच्छे दोस्त है, वे ये दोनों इसके दोस्त है, किसके दोस्त, शैली के दोस्त। कौन कौन, गिलहरी और खरगोश दो शैली के दोस्त है। वो दोस्त कभी भी उनके साथ रोज वहाँ बगीचे में अपने इन दोस्तों के साथ खेलती थी। ये शैली की रूम, ये बगीचा मीन्स गार्डन, गार्डन है देखो उनके घर में गार्डन है, गार्डन एवरी डे प्ले स्टडी कुछ कभी भी दिन भर खेलती थी। किसके साथ था, गिलहरी और रैबिट के साथ खेलती थी। उन्हें बगीचे में तरह तरह के पक्षी आकर पेड़ों पर बैठते थे। वो उन बगीचों में उस गार्डन में कलरफुल बर्ड्स आते थे। बर्ड्स मीन्स कलरफुल, कौन कौन से, सो मेनी बर्ड्स आते थे आकर पेड़ों पर, सीट ऑन द ट्री। कौन, अलग अलग पक्षियां, डिफरेंस बर्ड्स आते थे, कहाँ आते थे, शैली के बगीचे में आकर पेड़ है, एक ट्री था और ट्री के ऊपर बैठते थे। ये दिन वन डे शैली और उसका भाई, शैली एंड उसका भाई कौन, कौन उसका भाई, दामो, दामो इधर है देखो, दामो दो का घूमने निकले, वॉक कर रहे थे, किसमें, बगीचे में वॉक कर रहे थे, वो खेल रहे थे और प्लेइंग विद प्लेइंग कर रहे थे। तभी शैली चिल्ला कर बोली, क्या बोली, स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग, चिल्ला कर जोर से साउंड आया, जोर से आवाज वॉइस आई, किसका, शैली का वॉइस है, शैली जोर से आवाज दी, वॉइस करी, भैया भैया ब्रो ब्रो इधर आपके पेड़ के नीचे देखो, लुक ट्री इन द ट्री, ट्री के नीचे देखो, अंडर द ट्री, लुक ट्री जोर से बनी, देखो भैया देखो भैया, पेड़ के नीचे देखो, पेड़ के ट्री के नीचे देखो, धम अरे यहाँ तो कबूत है, ये तो कौन है, पिंजरा है, कबूतर का है, पिंजरा है, कौन कबूतर पिंजरे है, वो शैली, शैली बोलती है, यहाँ घबराया, फियर हो गया है, वासा क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, कहीं क्यों बैठा है, सिक्किन फियर क्यों बैठा है, और दूसरे है शैली, धामो बोलते हैं, धामो शायद गायब है, क्या हुआ, घंट हुआ है, शायद उलट हुआ है, गायब हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, किसे किसे, गिलहरी कबूतर को पीछे को गायब हुआ है। चलो माँ, शैली बोलती है, चलो माँ के पास ले चलते हैं, लेट्स गो माँ के पास, वो तो गायब है। चलो आप सब कहते रहते हैं ना, आप थोड़ा गिर जाते हैं तब माँ के पास भाग जाते हैं ना, ऐसा ही शैली वो छोटा सा पिंजरे को लेकर भागी भागी भाग गई। बच्चे उसे उठाकर क्या क्या, कबूतर को उठाकर अपनी माँ के पास चले गए, उनके मदर के पास गए। धाम क्या इसे चोट लगी है माँ, इसे चोट लगी क्या, उलट हुआ क्या,
थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ क्या? पूछी माँ, बोली नहीं ना, शायद यहाँ उड़ते उड़ते गिर गया है, शायद उड़ते उड़ते प्लेन करते करते गाड़ी गिर गया है, शटर हुआ है, गिर गया है वो, इसलिए थोड़ा सा फैशन है, कुछ नहीं होगा। कौन खाते हैं? माँ, आप भी ऐसे ही ना, आपके बहुत अच्छे दोस्त प्यारे दोस्त, कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करते हैं? माँ कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ है, वो आए नहीं तो भी आप पूछते हैं, यो माँ मेरे दोस्त आया नहीं, मेरा दोस्त आया नहीं, क्योंकि आपको मन ही मन में ये बहुत गड़बड़ा होता है। या आपको पता लग रहा है क्या, मैं कॉन्वर्जेशन बना रहा है, देखिए शैली दामो कॉन्वर्जेशन, सरल वाक्य क्यों, छोटे छोटे सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, यहाँ सभी वो कॉन्वर्जेशन हो रहा है। आप भी घर में ये कॉन्वर्जेशन पढ़ो, आपको हिंदी बहुत जो वेग से आएगा। आज की क्लास को इतना ही बस, कल की क्लास को, कल की क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के लिए